दोस्तों आज आए हैं साहब बांझनी में, घाटे के नीचे, कानगढ़ के नीचे सर्वे करने के लिए हम। ये इतनी शानदार जगह है, बहुत शानदार जगह लगी। तो मैंने सोचा यार एक ब्लॉग तो बनता है यार। देख रहे हो ना यहाँ पे नदी बहती थी, लेकिन पत्थर पड़े हैं बड़े बड़े। इधर देख रहे हो ना आप, ये अभी क्या है, गर्मी का मौसम आ गया है, बड़ी खतरनाक गर्मी लग रही है। और गर्मी में ये यहाँ पे पानी वगैरह भरा रहता था। जंगल के रास्ते से हम जा रहे हैं, गाँव में जाएंगे अब सर्वे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आगे। जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं भाई साहब, और हम बांझनी का सर्वे कर रहे हैं। कानगढ़ घाटे से नीचे, बारिया घाटे के नीचे सर्वे कर रहे हैं। जंगल में कपास के बीच में खेतों में होते हुए जा रहे हैं। हाँ यार अब क्या करें, ऐसा ही है, ये खेतों के बीच में होते हुए जा रहे हैं, चल रहा है काम है। हमें डर है कि खो न जाए कहीं। देखो इतना शानदार नजारा, ये जंगल में इतनी ऊंचाई पे हम जा रहे हैं घूमते हुए, अपने मस्ती में, अपने आनंद में। आगे आगे पवन जी मजे लेते हुए जा रहे हैं। पवन जी कहाँ तक जाओगे? जंगल में मंगल, जंगल तक जाएंगे। जंगल में, पूरे जंगल में घूमेंगे। देखो ये इतनी ऊंचाई पे, हम पहाड़ी इलाके पे हैं। अभी दूर से देख रहा है आपको ये पहाड़ी इलाका। जंगल में सागवान के पेड़ों के बीच में होते हुए निकल रहे हैं, कैसा लगा? अरे आनंद है जंगल का यार, जंगल में क्या बताए, इतना आनंद है कि दुनिया भर का है। सागवान है ये, बड़े बड़े जो दिख रहे ना आपको पत्ते वगैरह, सागवान पास से दिखाते, नज़दीक से कभी सागवान नहीं देखा हो ना। हमारे इधर सागवान बहुत स्प्रे जंगल के अंदर। ये सागवान के पत्ते हैं बड़े बड़े, ये सागवान है, ऐसा ऐसे ऐसे दिखते हैं। इतनी शानदार जगह, मज़ा आ गया साहब। लोकेशन बड़ी प्यारी है, क्या बताएं आपको। ये नदी वाला इलाका, बड़े बड़े पत्थर है, इन पत्थरों में ये जहान है बड़ा प्यारा। ये हिंदुस्तान है, ये काठल है, काठल की भूमि में हम आ गए हैं। देखो लोकेशन दिखाते हैं आपको, बड़ी प्यारी लोकेशन है। जंगल है, जंगल के बीचों बीच हम आ गए हैं घूमते घूमते। दिख रहा है ना आपको ये पहाड़ी इलाका और ये नदी वाला इलाका जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। कैसा लगा आपको? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।